रिलैक्स ही है ना तू। नहीं नहीं। उठ। बच्चे। नहीं सोने दो। 11 बज रहे हैं। उठ। नीचे सोई थी क्योंकि मेरा है ना बहुत पेट दर्द हो रहा था। और हाँ मम्मी आवाज कम करो इसका। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को है ना नींद लग गई थी, मैंने ना मेडिसिन खा ली थी, तो पापा कुछ तो भी बात कर रहे थे फ्लाइट की टिकट की। हाँ। मैंने ऐसे सुना था मेरी है ना नींद लगी गई थी, बस ऐसे आवाज आती है ना वैसे सुन लिया था मैंने। तू बताओ ना क्या बात चल रही थी। थोड़ा ही सुन लिया ना। हाँ थोड़ा ही सुना। तो पापा ना तुम कृष्णा को और देखो ना बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं स्कूल शुरू होने से पहले। सच में क्या है वो सरप्राइज? मेरे को बताओ ना मम्मी। वो तो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, मेरे को जानना है ना। पर नहीं पापा ही बताएंगे तुम लोगों को। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं बहुत खुश हो गई सरप्राइज, मतलब पापा ने जब मुझे बताया ना तो मैं बहुत खुश हो गई। तुम लोग तो कितना खुश हो जाओगे। ये देखो ये मम्मी मतलब बता भी नहीं रही है और इतना सारा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। क्या होगा यार सरप्राइज? हमको पापा कहाँ लेके जाएंगे? सिर्फ फ्लाइट टिकट ये सब सुन लिया मैंने। पापा से ही पूछते, पापा तो अभी है ना नहाने गए हैं। रुको जरा मैं पापा से पूछती हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। पापा हम कहाँ जाने वाले हैं? किधर जाने वाले हैं? मैंने रात में ऐसे सुना फ्लाइट टिकट बुक बुक क्या चल रहा है बताओ ना। ये लेट वाला छोड़ो यार पापा, मेरा पेट दर्द हो रहा था। यार बच्चे ये मम्मी और पापा का क्या चल रहा है? क्या सरप्राइज देने वाले होंगे ना पापा अपने को? वो तो अभी आगे ही देखेंगे। हाँ नहीं यार मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। अभी ऐसे सस्पेंस में ही रहना पड़ेगा अपने को कि क्या सरप्राइज होगा, क्या सरप्राइज होगा। ये देखो मैं आप सबको बताती हूँ, अभी अगर हमको पापा ने सरप्राइज दे दिया कि कहीं बाहर जाना है ऐसे ऐसे जगह, तो ये देखो ये क्या है। पिंपल आके बैठ गया यार मेरे चेहरे पे। ये देख नहीं फोड़ना नहीं है उसको जी यार पिंपल। कौन बोला था सरप्राइज है? वो रात में मैंने सुन लिया था फ्लाइट टिकट बुक ऐसे कुछ बोल रहे था। इधर आ बच्चे, इधर बैठना है। हमें तो गोद में रहता क्या? हाँ। मैं तुमको उधर लेके गया था ना उत्तराखंड। हाँ। और फिर हम हिमाचल प्रदेश जाने वाले थे मनाली वनाली घूमने के लिए। हाँ। तो वो कैंसिल हो गया था ना अपना। हाँ। अभी फिलहाल तो वहां नहीं जा रहे। हाँ। लेकिन हम कहीं और जा रहे हैं। जा रहे? और तुमको मैं बहुत ट्रैवल कराया ना गाड़ी के अंदर। हाँ। तुम कितना बोर हो गए थे सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ बैठ के कार में। हाँ। तो इस बार मैं तुमको ना बहुत जबरदस्त जगह पे लेके जा रहा और हम जाने वाले फ्लाइट से। जिंदगी में क्या फर्स्ट फ्लाइट बच्चे तेरी। कितना मजा आएगा ना फ्लाइट में बैठ के। और उसके बाद हम जाने वाले क्रूज पे। देखा बच्चे तूने क्रूज? क्रूज देखा है। मैंने भी देखा होगा, हम सच में क्रूज पे जाने वाले। क्रूज पे जाने और वो भी कहाँ मालूम क्या? मतलब ऐसा गोवा वोवा नहीं। फिर हम यहाँ से फ्लाइट से जाने वाले हैं चेन्नई और चेन्नई से क्रूज पे जाएंगे वो भी 5 नाइट्स की। 5 नाइट्स की वाओ मजा ही आ जाएगा वहाँ पे तो। हाँ और चेन्नई से हम जाने वाले श्रीलंका टूर पे। श्रीलंका तो तुम्हारे जिंदगी की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप रहेंगे श्रीलंका। फिर उसके बाद में रहेगी दुबई। हाँ अब प्रभु श्री राम गए थे श्रीलंका, तो तुम भी फर्स्ट तुम्हारी इंटरनेशनल ट्रिप श्रीलंका जाओ। हाँ, चलेगा। लाओ टेबल लाओ। वाओ पापा देखो आज सांभर नहीं है, आज मम्मी ने अच्छी दाल बनाई है। ये बच्चे तुम फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले। हम तो सोच रहे इधर आ
आपके मैं मतलब तू फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने वाला है, कितना मजा आएगा है ना। विंडो सीट पे बैठूंगा मैं। यस चलेगा, इस बार है ना कृष्णा को विंडो सीट पे बिठाएंगे, मस्त उसको व्यू लेने देंगे। और देखो नहीं यार, मैं ना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप श्रीलंका जाने वाली हूँ, फिर क्रूज पे हम 5 दिन बिताएंगे, कितना मजा आएगा आप सब लोग सोचो ना। यार क्रूज पे जा रहे हैं तो शॉपिंग वॉपिंग करना भी तो बनता है ना। रुको मुझे पापा से बात करने दो, क्योंकि हम 5 दिन वहाँ पे रहने वाले तो अच्छे कपड़े भी तो पहनना बनता है। पापा पापा अभी हम क्रूज पे जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े भी तो चाहिए ना, शॉपिंग। नहीं क्यों नहीं पापा, हम 5 दिन रहने वाले हैं क्रूज पे। 1-2-3 कपड़े का लेने के वो ले लो, और हमको ना वो ट्रॉली वाली बैग लेना पड़ेगा अच्छी। हाँ बैग लेनी है और 1-2-3 कपड़े, इससे कुछ नहीं होगा, हम 5 दिन रहने वाले हैं ना, मैं अच्छे अच्छे कपड़े लूंगी। मम्मी मम्मी आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हो इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने सारे रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं श्रीलंका जा रही हूँ, फोन करके बोल दिया। हाँ और फर्स्ट टाइम हम लोग क्रूज पे भी जाने वाले हैं। मम्मी और मैं हम ऐसे ही वीडियोस देखा करते थे ना क्रूज के, तो हम आपस में ही बोल लेते थे कि हम कब जाएंगे क्रूज पे। और देखो फाइनली हमारा सपना पूरा हो रहा है। यस हमारा सपना पूरा हो रहा है क्रूज पे जाने का। मम्मी तो शॉपिंग भी तो करनी पड़ेगी ना, मुझे जूते वूते भी लेने अच्छे। हाँ ठीक है, पापा को बोल दिया ना तुमने। हाँ मैंने बोल दिया है, मैं अभी है ना जल्दी से नहा के आ जाती हूँ, फिर हमें बैग लेने भी तो जाना है ना। ठीक है जल्दी से। मस्त एयरपोर्ट पे ना एकदम अच्छे से बैग लेके ऐसे चलना है। देखो मैं आ गई नहा के, और खाना भी आ गया मेरे लिए, और मम्मी ने ना स्पेशली मेरे लिए भिंडी की सब्जी बनाई है, बहुत अच्छी लगती है मुझे मम्मी के हाथ की भिंडी की सब्जी। तो अभी मैं ना जल्दी से खाना खा लूंगी, फिर उसके बाद मैं रेडी होके हम मार्केट जाएंगे है ना मम्मी। और हाँ आ जाना घर पर, नानी भी आने वाली है, नानी नहीं थी तो हमने ना नानी को बहुत मिस किया। देखो नानी आ गई है, शायद आई नानी आ गई, जल्दी आवाज़ चिकू लाए, जल्दी से आ भी नहीं रही नानी ऊपर। बहुत पसंद है। देख तो देखो इतने सारे आम है ना मेरे पास।
बड़े मामा ने दिए क्योंकि बड़े मामा को पता है ना कि हम सबको आम खाना बहुत पसंद है। 2 hours later डिब्बू उठना, जाने का ना मॉल में, मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा है। पापा भी आ गए, उसका पेट दर्द हो रहा है। क्या हो गया? पेट दर्द हो रहा है। तुम उस मुंह नहीं बोले, उठ उठ जल्दी से। क्या हो गया? पेट दर्द हो रहा है। सहन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। चलो फिर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। चलो हॉस्पिटल। इतना खुश क्यों रहे हो? पापा को ये कि ना जाके सबको इंजेक्शन लगाया हॉस्पिटल में ले जाके। इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी मैं, सोच ही जाके अपने डॉक्टर को मेडिसिन लेके आऊंगी, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। अब फिर क्या मतलब है? चल चल। हाँ चल, मैं थोड़ी डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगाने का तो लगाने का, बस बात करता हूँ। चल ठीक है, ले तेरा कैमरा संभाल ले। तो क्या है ना, कल रात से है ना मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है। मेरे को लगा रात में कि हाँ भाई नॉर्मल है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने रात में मेडिसिन ली और ऐसे सो गई। फिर है ना सुबह उठी तो हल्का हल्का पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया, और अभी है ना पेट दर्द होने की लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये पीरियड्स वाला पेट दर्द नहीं है, अजीब ही पेट दर्द हो रहा है यार। चलो ठीक है, अभी पापा ने बोला हॉस्पिटल जाएंगे तो एक बार जाके चेक करा लेते हैं ना, नहीं तो फिर मॉल में नहीं जा पाएंगे कल, फिर हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वेस्ट हो जाएगा ना फिर ऐसे ही दिन, इसलिए चले जाता हूँ। क्योंकि क्या यार, मैं नहीं चाहती कि मेरे ना ये 3-4 दिन है ना ऐसे बीमारी में गुजरे, क्योंकि फिर है ना मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तैयारियाँ करनी है। मैं पहली बार क्रूज पे जा रही हूँ तो यार ऐसे होता है ना, शॉपिंग वगैरह सब एकदम प्री प्लान होना चाहिए। तो इसलिए अभी मैं ना जल्दी से जाती हूँ हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके देखते हैं डॉक्टर क्या बोलेंगे। इंजेक्शन का तो देखूंगी, इंजेक्शन नहीं लूंगी मैं, डोंट वरी। चलो चल रही हूँ, आप कपड़े तो बदलने दे। सलाइन लगाती के? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी मम्मी की आई बोलती ना, सलाइन लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। आई मेरी नानी पता है क्या बोलती है, एक सलाइन लगाने से ना बॉडी में ऐसे तरतरी आ जाती है, ताकत आ जाती है। ऐसे कुछ नहीं होता, मैं सलाइन तो क्या, मैं इंजेक्शन भी नहीं लगाऊंगी, भी डॉक्टर जो बोले वो करना पड़ेगा ना। पापा उठा के ले लो ना, उठा के ले लो। उठा के ले लो, पेट दुख रहा ना मेरा, मैं कैसे चलूंगी पापा। तो क्या है ना, मम्मी का थोड़ा सा बैंक का कुछ काम है, तो मम्मी है ना सबसे पहले वो खत्म करके आ जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल जाने वाला है। यार मुझे ना हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरी है ना कितनी भी तबीयत खराब हो जाती है ना मैं हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरा पेट है ना लेवल से ज्यादा दुख रहा है, इसलिए हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना। कुछ भी हो जाए मुझे ना इंजेक्शन तो नहीं पसंद, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। तो मैं ना आप सबको मेरे ना बचपन के एक है ना इंजेक्शन का किस्सा सुनाती हूँ। क्या हुआ था ना, आप सबको तो पता ही है कि मैं ना अपनी नानी के साथ गांव में रहती थी, तो एक बार है ना मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो नानी है ना मुझे हॉस्पिटल लेके गई। तो वहाँ पे हम गए, नॉर्मली डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और डॉक्टर ने ना ऐसे सिरप वगैरह दे दिया था मेरे को, तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो फिर उसके बाद मैं ना मैं बाहर चली गई और डॉक्टर ने ना सिर्फ नानी को अंदर बुलाया और नानी को बोला कि इसको हमको है ना इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन के बिना ये बुखार उतरेगा नहीं। तो मैंने ना ये बात चुपके से सुन ली थी और मुझे ना इंजेक्शन से है ना पहले से बहुत डर लगता था। तो फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं और कैसे भागूं यहाँ से। फिर नानी आई कि चलो चलो अंदर चलना है, एक बार सिरप वगैरह देखना है कैसे पीते हैं उसको, क्या क्या कौन से टाइम पे लेना है। ऐसे भैला फुसला के नानी मेरे को अंदर ले जाने वाली थी, तो मैं ऐसे तुरंत भागे ना हॉस्पिटल के बाहर। फिर मेरे को ना ऐसे खींचा तानी करके अंदर लाया गया और यहाँ पे हाथ पे इंजेक्शन दिया था। मेरे को बचपन से ही डर लगता है इंजेक्शन से। पापा इंजेक्शन नहीं, जिसको इंजेक्शन दिला के ला रहे बाबा। अरे हमको ट्रिप में जाने का है और तू ना ऐसे मत कर, बीमार नहीं पड़ने का, बीमार पड़ने का टाइम नहीं अपने को, नहीं तो मैं ट्रिप कैंसिल कर दूंगा, सीधे बोल रहा मैं। इंजेक्शन नहीं लगाना मेरे को। वो देखो डॉक्टर भी देख रहे हैं अंदर से, इंजेक्शन हाथ में लेके जा। पापा क्यों नहीं समझते यार, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना था, लेकिन फिर भी अभी ट्रिप कैंसिल करने से अच्छा ही है कि मैं इंजेक्शन लगा लूं।
मेरे को नहीं चाहिए इंजेक्शन, नहीं 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 डॉक्टर नहीं। हाथ पे लेना है? नहीं नहीं हाथ पे नहीं, नहीं चाहिए। रुकना पड़ेगा थोड़ा, 5-10 मिनट कमर में लेने के लिए। नहीं कमर में चाहिए ही नहीं इंजेक्शन, नहीं चाहिए। उसके पापा ने बोला ट्रिप पे जाने से पहले मेरे को ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। हाथ नहीं लगाना उसको, ट्रिप पे जाना है कि कैंसिल करना है? तबियत खराब होगी तो कैंसिल, सब कुछ नहीं जाने का। नहीं देखो मालूम नहीं पड़ता, बैठ 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 जा, मालूम नहीं पड़ेगा, रिलैक्स। एक दो एक सेकंड का काम है, सिर्फ एक सेकंड ऐसा करो, फोल्ड करो बस, चिल्ला मत, नॉर्मल। बचपन से तू इनसे ट्रीटमेंट ले रही ना? नहीं डॉक्टर नहीं, नहीं नहीं। अरे थोड़ा शांति से, कुछ नहीं होता, रिलैक्स दे रहा हूँ एकदम। नहीं लेना है, छोड़ छोड़, मैं पापा ला बोला तो राहुल नहीं नहीं इंजेक्शन नहीं तो ट्रिप कैंसिल है। टिप्पू मम कमर में लेना है तो रुकना पड़ेगा, सिस्टर खाना खा रही है। तो हाथ में ले ले, डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है। हाथ में लेंगे वो बचपन से आपके पास आ रही है, एडमिट भी हो, एडमिट कर लो फिर उसको। तो हाथ निकाल दे, मैं दवा दवाऊंगा, बार बार हाथ नहीं लगाना फिर। एक मिनट रुको, मेरे को रिलैक्स हो जाने दो, मत दो, रिलैक्स ही है ना तू। नहीं नहीं शट, पकड़ ले, चलो एडमिट हो जाते हैं यहाँ पे। ऐसे तो पूछ रहे हो जैसे चॉकलेट खाया मैंने, कैसे लगा? बहुत दर्द हो रहा है यार। चल अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे, इंजेक्शन लेने से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने ना कोविड का इंजेक्शन लेने के बाद, मैंने आज इंजेक्शन लिया है, मतलब देखो पूरा एक साल के बाद में मैंने इंजेक्शन लिया है। ले लिया पापा इंजेक्शन, मिल गई खुशी। चलो अभी तो क्या है, 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे, चलो। दुख रहा क्या? हाँ ये देखो, ये हाथ ऐसे दुख रहा है मेरा। वो ऐसे हाथ कड़क करके रखती है और मेरे को बोलती मम्मी, अरे हाथ ऐसे पकड़ना नहीं, ऐसा लूज छोड़ देना, आराम से इंजेक्शन दे देते डॉक्टर। आप भी लेना फिर नेक्स्ट टाइम इंजेक्शन। मैं काय को लेने का? और इंजेक्शन ऐसे बहुत बड़ी बीमारी नहीं रहती, इंजेक्शन लेना बहुत अच्छी बात रहती, उससे इंसान जल्दी ठीक हो जाता। आ गए हम लोग घर पर, मैंने तो ना घर से निकलते ही सोच लिया था कि आज मैं इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये मम्मी इतनी जिद्दी है ना, मैं क्या बताऊँ आप सबको। अगर तू इंजेक्शन नहीं लगाती थी ना तो तेरी ट्रिप कैंसिल थी, पापा नहीं लेके जाते थे फिर। कुछ नहीं लेके जाते थे, फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी थी, रहने दो इंजेक्शन लेने के लिए। मेरे को तो यार ऐसे बेवकूफी समझते हैं, मेरे को सब पता था, मैंने सब प्लान कर लिया था। चलो अब मैं ना आप सबको दिखाती हूँ कि हमने जो न्यू बेडशीट लाया ना मॉल से, वो बिछाने के बाद में कैसे दिखता है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं अपना फेवरेट प्रिंसेस वाला ही बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि यार मम्मी ने बोला है कि देखो जो बेडशीट अच्छा लग रहा है ना वो ले, तो मुझे है ना वो प्रिंसेस वाला बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वही ले लिया। ये देखो ये रहा वो प्रिंसेस वाला बेडशीट, वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना। रुको मैं दिखाती हूँ आपको ये पूरा कैसे है। देखा आप सबने, ये फुल बेडशीट है ना, कुछ ऐसे दिखता है। तो चलो मैं इसको है ना अपने बेड पे बिछा देती हूँ, फिर देखना आप कितना अच्छा लगेगा। पिलो कवर है ये देखो, इस पे मैं प्रिंसेस बनी हुई है, ये। चलो जल्दी जल्दी बिछा लेती हूँ मैं। यार कभी भी हम ऐसे है ना नया बेडशीट लाते हैं ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं ना वो बेडशीट अपने बेड पे कब बिछाऊंगी। लेकिन मम्मी है ना हमेशा बोलती है कि जब कोई त्योहार आता है ना तभी नया बेडशीट बिछाना चाहिए। वैसे बताओ किस किस की मम्मी ऐसे बोलती है। तो अभी मैं ना ये स्पाइडर मैन वाली है ना पिलो कवर हटा के ये प्रिंसेस वाली पिलो कवर लगाने वाली हूँ, क्योंकि यार कृष्णा ने इतनी जिद की थी ना कि मुझे ना स्पाइडर मैन वाली पिलो चाहिए, तो इसलिए पिलो कवर लगाई थी। लेकिन अभी मैं इसको हटा दूंगी। देखो अभी पिलो कवर क्या सही लग रहा है ना, अभी ये पिलो है ना मैं ही लिया करूंगी, इस पे प्रिंसेस जो है। वैसे गर्ल्स मुझे आप सब लोग बताओ कि आपको प्रिंसेस पसंद है या फिर बारबी डॉल पसंद है, जल्दी जल्दी कॉमेंट्स करना। देखो ना यार चिक्कू ने सुसु कर करके बेड का हालत कैसे कर दिया है। उधर का इसलिए साफ है क्योंकि उधर है ना पापा की साइड है, तो है ना चिक्कू पापा की साइड जाता ही नहीं है। कुछ तो शर्म कर ले यार चिक्कू, कुछ तो ये क्या किया है तूने ये बेड पे, शर्म तो जरा सी भी नहीं आ रही होंगी। देखो तो देखो मैंने ना बेड पे
बेडशीट डाल दी है, आप लोग कमेंट्स में बताओ ये बेडशीट कैसी लग रही है, एकदम कलरफुल एकदम फ्रेश वाइब्स आ रहे हैं यार अभी। देखो जैसे हम रूम एंटर करते हैं ना तो इसका ना कुछ ऐसी लुक आ रहा है, पर जब अभी हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा ही रहे हैं तो ढेर सारी शॉपिंग भी तो करनी है और खुद को भी तो तैयार करना है, नेल्स करवाने हैं, फिर अपने हेयर केयर करनी है। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।